सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एक जीएसटी से दो बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो ये आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैंने पढ़े हैं अपने लीगल और ट्रेड नेम वाले वीडियो पे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेड नेम और लीगल नेम क्या होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेज होता है। तो वहाँ पर आप लोगों का कन्फ्यूजन था कि सर हम लोग क्या एक जीएसटी से दो बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आप लोगों के जितने भी डाउट हैं बिजनेस से रिलेटेड या फिर जीएसटी से रिलेटेड, वो आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा और आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोग एक जीएसटी से दो बिजनेस कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो किस किस रीजन से नहीं कर सकते हैं, तो वो भी बताऊंगा। तो मैं वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना वीडियो को, ताकि आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओ कि जीएसटी से आप लोग कैसे बिजनेस कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और ऐसे एजुकेशन कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ साथ दबा देना बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं ऐसी एजुकेशन वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वो वीडियो आप लोग देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब आप लोग कोई भी जीएसटी में एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार जो एक टाइप का बिजनेस कर रहे होते हैं, मल्टीपल टाइप के बिजनेस के बारे में उन्होंने नहीं सोचा होता है, बट फ्यूचर में उनको लगता है कि हाँ यार हम लोग इन केस अगर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, तो उसका प्रोविजन क्या होगा जीएसटी में, हम लोग उससे कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि जीएसटी के अंदर फ्रेंड्स दो तरीके होते हैं, मतलब एक जीएसटी से दो बिजनेस करने के लिए। तो जीएसटी में आप लोगों ने देखा होगा लीगल नेम होता है और एक ट्रेड नेम होता है, तो वहाँ पे उनके मैंने मतलब बताए थे पहले वीडियो में, उस वीडियो को पहले आप लोग जाके देख सकते हैं और अच्छे से लर्न कर सकते हैं ट्रेड और लीगल नेम के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं कि एक जीएसटी से जो आप लोग सिंगल जीएसटी अपनी कंपनी के नाम पर बनवाते हैं उससे आप लोग दो बिजनेस कैसे कर सकते हैं। सो जब आप लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर पोर्टल पर आप लोग को अपनी सर्विसेज डालनी पड़ती है कि आप लोग किस किस टाइप की सर्विसेज में आप लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, किस किस तरीके का आप लोग बिजनेस करेंगे। सो एक तो वो तरीका हुआ कि वहाँ पे आप लोग अपने जो बिजनेसेस हैं उनको डलवाइए। तो एक तो ये तरीका होगा कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप लोगों को अपनी जो भी सर्विसेज हैं, बेसिकली जो प्रोडक्ट लाइन होती है आप लोगों की, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस किस तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं आप लोग, वो डलवाइए। इन केस अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हैं तो आप लोग के पर्टिकुलर एक टाइप का प्रोडक्ट लाइन होगी कि हम लोग यार इसी तरह के हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इन्हीं टाइप के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो लोग आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में डलवा सकते हैं। या फिर साथ साथ इसके अलावा आता है आप लोग का सर्विस बिजनेस, जहाँ पे आप लोग सर्विस से रिलेटेड जो भी आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को, तो उस टाइप की सर्विसेज आप लोग अपने जीएसटी में डलवा सकते हैं। तो ये हो गया पहला केस, जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं तो वहाँ पर आप लोग को जितनी भी सर्विसेज आप लोग सोच रहे हैं करवाने के लिए, इन फ्यूचर अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी डलवा सकते हैं, और जो करंट है वो तो आप लोग डलवाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जीएसटी सर्टिफिकेट आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक होता है लीगल नेम, होता है हमारा ट्रेड नेम। तो लीगल नेम तो हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का जो भी आप कंपनी में आपको का जो परमानेंट आप लोगों का नाम होता है कंपनी का, वो आप लोगों को लीगल नेम डलवाना है। बट जब आप लोग सोचते हैं कि आप एक जीएसटी से आप लोग मल्टीपल बिजनेस करना मतलब सोच रहे हैं कि करूँगा मैं या फिर करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लोग को ट्रेड नेम का यूज़ करना है। ट्रेड नेम जीएसटी में डाला इसलिए गया कि यार आप लोग मल्टीपल मतलब अपनी कंपनी ना खोलें, मल्टीपल जीएसटी ना बनवाएं और एक ही उससे आप लोग एक ही कंपनी नेम से आप लोग मल्टीपल बिजनेस कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना है आप लोग को, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक कंपनी से। जब आप लोग एक जीएसटी को अपग्रेड करते हैं, जब आप लोग एक मल्टीपल ट्रेड नेम लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों की जीएसटी जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों का अपग्रेड हो जाता है और आपको मल्टीपल जीएसटी मिलते हैं। यहाँ पे आपका ये कंपनी नेम आपका वही रहेगा, हर जितने भी आप लोग ट्रेड नेम लेंगे वहाँ पे आप लोग के हर जीएसटी के अंदर आप लोगों का जो लीगल नेम है वो सेम ही रहेगा, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म हो, वहाँ पर आप लोग का लीगल नेम सेम रहता है। वहाँ पर आप लोग का ट्रेड नेम जब होता है, जब आप लोग एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, नया प्रोडक्ट लाइन आप लोग डालते हैं अपने बिजनेस के अंदर, वहाँ पर आप लोगों को ट्रेड नेम अपडेट होता है। तो जितने भी आप जीएसटी सर्टिफिकेट देखेंगे, इनकेस अगर आप लोगों के पास है तो आप वहाँ नोटिस करिएगा कि आप लोग के जो लीगल नेम है वो सारे सेम है, ट्रेड नेम अपडेट होते हैं। अब ट्रेड नेम लाया इसलिए गया था फ्रेंड्स कि जब आप लोग एक ही जीएसटी से कह सकते हैं या फिर एक कंपनी से कह सकते हैं, जब आप लोग मल्टीपल बिजनेस करते हो तो वहाँ पर आप लोग का ट्रेड नेम यूज़ होता है। अब ट्रेड नेम का अपडेट करने के अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता रखा है, वो वीडियो आप लोग जाके देखिए और आप लोग ट्रेड नेम अपडेट करा सकते हैं, और ट्रेड नेम के मैंने बेनिफिट्स भी आप लोगों को बता रखे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आप लोग बिजनेस अपग्रेड करते हैं तो आप लोगों को कोई भी नई कंपनी नहीं खोलनी है, नई कंपनी से क्या होता है आप लोगों की लायबिलिटी बढ़ जाती है, आप लोगों को जीएसटीआर रिटर्न, आईटीआर, वो सारी चीज़ें आप लोगों के जो काम होता है वो बढ़ जाता है। बट यहाँ पे जो ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम के थ्रू आप लोग मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो।
तो ये एक छोटा सा डाउट था आप लोगों का जो इस वीडियो में मैंने क्लियर किया है। इनकेस अगर आप लोगों को ट्रेड नेम अपडेट कराना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं, जो आप लोग क्वेरी होती है, वहाँ पर मैं उनकी इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। यूट्यूब पर क्या होता है, बहुत सारे कमेंट्स क्या होता है, यूट्यूब रोक लेता है, वहाँ पर मेरे पास नहीं आने देता है, तो वहाँ पर आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी रुक जाती है। बट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर जब कमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको रिप्लाई इंस्टेंट मिल जाएंगे। सो आई होप आप लोगों का जो डाउट था कि क्या हम लोग एक GST से दो बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आप लोगों का इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड अभी डाउट है, क्वेरी है, या मेरे लिए कोई क्वेरी है या सजेशन है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी सोच रहे हैं ऐसा एक GST से दो बिजनेस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।